हेलो इंस्टाग्राम। तो आज मैं थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। जनरली पीपल डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई थिंक मोर पीपल शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो द सब्जेक्ट इज़ अब्यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अमंग यंग गाइज। अभी गाइज आप लोग इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में स्टेरॉइड यूज होना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, बहुत यूज होता है और आजकल तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट द एक्सेस ऑफ दिस थिंग्स। सबके पास पैसा है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो वो लोग अपने से देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, कैसे लेना है। आजकल गूगल में सब अवेलेबल है एंड सबको फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, है ना। बट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने देखा है, जनरली जो यंग गाइज होते हैं दे वॉन्ट टू टेक मोर ऑफ दिस थिंग्स। ओके, दे वॉन्ट टू टेक ह्यूज डोजेस क्योंकि इससे रिजल्ट आता है एंड इट इज ट्रू। तो रिजल्ट तो आता है बट एट द सेम टाइम बहुत सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज भी आता है। और जो यंग लड़के होते हैं दे जस्ट वॉन्ट टू मेक देयर मसल्स बिगर बाई इंक्रीजिंग द डोजेस, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम है अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा सामान लूंगा तो ज़्यादा बॉडी बनेगा, इसमें प्रॉब्लम है। तो मैं आपको एक सिंपल फैक्ट बताता हूँ, ठीक है। तो एन एवरेज मेल एडल्ट कैन प्रोड्यूस 7 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर डे, विच इज प्रिटी गुड। ओके, तो हफ्ते में 7 × 7, लेट्स से 50 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर वीक। अभी आप ये खुद से कैलकुलेशन कर लो, जहाँ पे एक हेल्दी 50 mg ऑफ टेस्टोस्टेरोन नेचुरल प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी, तो अभी आप देखो आप कितना ज़्यादा ले रहे हो बिकॉज यू नो वट इज योर करेंट डोजेस, और आपको अभी भी लगता है कि इट इज़ नॉट एनाफ टू बिल्ड मसल्स, यू नीड टू इंक्रीज योर डोजेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या मैं सजेस्ट करूँगा, जो मैं बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, टेक ए स्टेप बैक, पील फ्यू लेयर्स। ओके, अभी आप देखो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा है, एक्सरसाइज सिलेक्शन, एक्सरसाइज एग्जीक्यूशन, प्रॉपर इंटेंसिटी, रेप रेंज, ओवरऑल ओवरऑल वॉल्यूम कैसा चल रहा है, डाइट ठीक है कि नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट ठीक है कि नहीं, जो भी पॉसिबल सप्लीमेंटेशन जो आपको 2% भी हेल्प कर सकता है, ये सब ठीक ठाक है कि नहीं, आपका रिकवरी कैसा है। तो अगर आप ये जो सारे बेसिक चीज़ें हैं ना, इसको भी अगर आप ठीक कर लेते हो, यू कैन स्टिल बिल्ड ए लॉट ऑफ मसल मास ओवर द टाइम। अभी उसके साथ अगर आपने मन बना ही लिया है कि यू वॉन्ट टू डू द एनहांसमेंट, तो अगर आप पहले ये सब चीज़ों को ठीक करो, अच्छे से ठीक करो, नॉट नॉट योर वर्जन ऑफ करेक्ट, जो एक्चुअली अगर आप इसको करेक्ट करते हो ना, देन आप जो जो भी आप लेना चाहते हो, इफ यू गो विथ ए मिनिमलिस्टिक अप्रोच देन यू कैन डू ए लॉट बेटर। ओके, बस ये डोजेस बढ़ाने से नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, साइड इफेक्ट्स कम होगा। ओके, आप जल्दी से रिकवर कर पाओगे, यू विल बी लेस ससेप्टेबल टू डिजीजेस, यू विल बी ओवरऑल मोर हेल्दी, पैसा भी बहुत बचेगा एंड इन वन लाइन योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इम्प्रूव्ड। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन अगर आपको एक्चुअली में सीखना है, देन सीखो फ्रॉम द राइट सोर्सेस। ओके, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, दिस विल मेक यू हेल्दियर।